अस्सलाम वालेकुम। रिपेयरिंग हब में वेलकम करते हैं। आज हमारे पास आया हुआ डेल 760। ये मदरबोर्ड है सीपीयू का। अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें मसला क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमने सप्लाई लगाई हुई है और कनेक्टर लगाया हुआ, मीटर भी अटैच किया हुआ ऑन कर। तो अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये मैंने सप्लाई इन की और ये जैसे ही फैन चला और बंद हो गया, पावर आ रहा है और जा रहा है। अब देखें आप जैसे ये टक टक कर रहा है। तो अब हम चेक करते हैं कि इनमें वोल्टेज कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले हम रैम के वोल्ट चेक करेंगे। ये हमने रखा इधर और अब सप्लाई ऑन होगी। ये रैम के वोल्ट आए वो चले गए। अब ये चेक करते हैं, यहाँ पे भी वोल्ट आए क्लॉक के, ये भी चले गए। आप प्रोसेसर के वोल्ट चेक कराते हैं आपको, ये यहाँ रखे और यहाँ पे भी वोल्ट आए वो चले गए। अब दोबारा प्रोसेसर पर रखा हुआ, देखे प्रोसेसर के वोल्ट आ रहे हैं वो जा रहे हैं। अब ये चेक करते हैं एक और, यहाँ पे ये वोल्ट है, इसके ऊपर हमने निडल रखी हुई है और ये चेक करें आप, यहाँ पे भी 1.7 आया है वो चलेगा। तो ये देखें यहाँ पे भी वोल्ट आ रहे हैं। इस इशू में बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है। ये 780, 760, 380, 360 या 320 सब में यही कॉमन फॉल्ट आ रहा है और हम इसको रिजोल्व करते हैं। अब इसमें वोल्ट आ रहे हैं 1.8 और ये आप रैम पे भी रुक गया, सप्लाई चल के बंद हो गई और प्रोसेसर पे भी नहीं आ रहे हैं। क्लॉक के वोल्ट आप क्लॉक की स्ट्रांग भी चेक कर सकते हैं, ये चेक कर है। क्लॉक के वोल्ट भी बन रहे हैं और बायोस के भी आप पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, पिन नंबर 1 ये है इसकी और ये ऑन होने के बाद आएंगे 3.3। तो चले अब हम चेक करते हैं। मुझे जो लग रहा है ज़्यादातर वो क्रिस्टल का लग रहा है। इसमें कॉमन जो फॉल्ट आया वो क्रिस्टल का है। तो हम क्रिस्टल चेंज करके चेक करते कि इसमें फॉल्ट रिजोल्व हुआ है या नहीं। तो अब हम इसको चेंज करते हैं। इसमें क्रिस्टल लग जाएगा 745 का, 755 का, 760 का और 320 का, 360 का, 380 का, ये सारे क्रिस्टल एक दूसरे के अंदर चल सकते हैं। तो अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। चले क्रिस्टल को चेंज करके फिर चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने क्रिस्टल लगा दिया है, चेंज किया है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ये बहुत हीट हो रहा है। अच्छा, क्रिस्टल लगाने के बाद ये 3-4 दफ़ा चलेगा और बंद होगा क्योंकि क्रिस्टल रनिंग में आएगा अपनी जगह, फिर ये ओके हो जाएगा अगर क्रिस्टल का ही मसला आएगा। ज़्यादातर इनों में जो फॉल्ट आ रहे हैं वो क्रिस्टल का आ रहा है। दूसरे नंबर पर जो आ रहा है वो रैम आईसी का आ रहा है, इस वाली आईसी का। ADP के वोल्ट भी इस IC की वजह से नहीं बनेंगे। आपका प्रोसेसर वर्क नहीं करेगा, आपका क्लॉक वर्क नहीं करेगा, बाकी वोल्ट बन रहे होंगे, मगर इस पर भी वोल्ट बन रहे होंगे, फिर भी है ना ये IC ख़राब होगी। वोल्ट इधर आ रहे होंगे आपके इस ट्रांसमीटर पे भी और ये सारी जगह वोल्ट भी आ रहे होंगे, मगर फिर भी यही IC ख़राब होगी क्योंकि प्रोसेसर वर्क नहीं करेगा, ये IC ख़राब होगी। तो इसको आप ये IC आप 745, 755 और 760, 780, 380, 320, 360 इन सब में से ये IC सेम ही होती है। आप एक दूसरे में इनका पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, नया पार्ट्स कोई भी यूज़ नहीं करता इस रिपेयरिंग के काम में।
आपके पास स्क्रैप होना लाजमी है, और इतनी डिटेल देने के दे रहा हूँ मैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई हो तो। तो चले अब हम चेक करते हैं कि बोर्ड ऑन हुआ या नहीं हुआ। ऑन हुआ, तो ये हमने सप्लाई लगा रहे हैं इसके अंदर, ये सप्लाई लगाई हमने, ये देखे पावर आया एक दफ़ा। बीप भी आई थी आपने सुनी होगी अभी 3-4 दफ़ा, ये देखे बीप ले रहा है। ये ऐसा होता है कि जब क्रिस्टल भी सही नहीं लगता तो जब भी यही मसला आता है, तो क्रिस्टल हो सकता है थोड़ा टेढ़ा लगा हुआ है जिसकी वजह से सही वर्क नहीं कर रहा, तो हम क्रिस्टल को दोबारा हमने जैसे देख सकते हैं आपके क्रिस्टल सेट करके लगा दिया है। अब हम इसको पावर देते हैं, ये पावर ऑन हो चुका है आप देख सकते हैं, और ये इसमें बीप आ रही है। चले अब हम रैम लगाकर और डिस्प्ले केबल लगाकर और डिस्प्ले चेक कराते हैं। ये देख सकते हैं आप डिस्प्ले आ चुका है, और इसमें जो क्रिस्टल का और रैम आईसी का ज़्यादा मसला आता है, डिस्प्ले आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर आ रहा है।